नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो जिस तरीके से आज मार्केट ने मूवमेंट करी थी एग्जैक्ट हम लोगों ने जैसा डिसाइड करा था उस तरीके से ही मार्केट गई एंड जो हम लोगों ने लाइव मार्केट एनालिसिस करी थी अपने क्लासेज में बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट अपने उन्हीं हाइज को टेस्ट करा उसके बाद वहां से नीचे आई है। सो परफॉर्मेंस बिल्कुल ईजी थी, बिल्कुल सिंपल प्लेन ट्रेंड लाइन्स के ऊपर हम लोगों ने वर्क करा। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एंड ऑलमोस्ट अराउंड हम लोगों ने 18-19,000 रुपीज़ भी अर्न करें आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। उसका स्क्रीनशॉट भी या प्रॉफिट का वीडियो भी आप लोगों को एंड में दिख जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो अभी तक तो प्रॉब्ली जिस टाइम से मार्केट ऊपर है हम लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिकॉज अभी हमारे हिसाब से ही मार्केट चल रही है। जिस दिन मार्केट टर्न अराउंड होगी उस दिन हमें एक लॉस होगा, उसके बाद हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा, देन हम लोग सेलिंग साइड में भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ मार्केट अभी पॉजिटिव है बट मुझे लगता है कि कल एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, उसके बाद मार्केट दोबारा रिकवर कर जाए, वो मैं चार्ट्स पे आपको लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा। बट गाइस एक इंपॉर्टेंट बात और एक अनाउंसमेंट मैं आपके सामने कर रहा हूं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सर आप अपना कोर्स को दोबारा स्टार्ट करिए, आप सेकेंड बैच को स्टार्ट करिए। सो यस, सेकेंड बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15th of Feb को हमारा सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है एंड सीट्स आर अवेलेबल। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे नीचे एक फॉर्म मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, हम आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर आपको उसके नीचे एक नंबर दे रखा है वो से व्हाट्सएप यूज़ के लिए आप व्हाट्सएप पे क्वेरीज कर सकते हैं। हम आपको सारा डिटेल्स शेयर करेंगे कि क्या कोर्स के अंदर कंटेंट है एंड वी हम लोग बहुत सारे ऑफर्स के साथ भी आए हैं तो वो ऑफर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करे जाएंगे। सो गाइस प्लीज अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10th of Feb लास्ट डेट है जो भी पेमेंट की होगी आप लोग अगर रजिस्टर करना चाहते हैं एंड 15th of Feb से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अपना कोर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ, दैट इज इंडिको। इंडिको में मैं सेल करने की सलाह दे रहा हूं आप लोगों को। आज इंडिको मेरा सेल साइड में ही था बट जिस तरीके से हम लोगों ने एक गैप अप ओपन देख लिया था उसके बाद रिकवर भी कर गया था फिर कंटिन्यूस फॉल हुआ तो मैंने सोचा एक ब्रेक इवन लेवल पे ही मैं शॉर्ट करूंगा और वो आ चुका है। सो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की कैंडल देख पा रहे होंगे, एग्जैक्ट इस प्राइस पे ओपन हुआ। एग्जैक्ट इस प्राइस पे ओपन होने के बाद वो पूरा पूरा फॉल करा एंड इस लेवल से एक बाइंग आई है, उसके बाद उसने एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो बनाया जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी था, वहां रेजिस्टेंस फेस करा एंड उसके बाद वो कंटिन्यूसली नीचे आया। अब कंसेप्ट समझिएगा, जब यहां से वो नीचे आया तो एग्जैक्ट इसी लेवल से इसने पुल बैक भी दिया। कौन सा लेवल है ये? जिस लेवल पे इसने लो था, जो फर्स्ट कैंडल का लो था, एग्जैक्ट उसी लेवल से एक पुल बैक दिया, फिर वहां पर कम से कम 3-4 कैंडल्स सस्टेन करिए एंड आखिरी आधे घंटे के अंदर उसके नीचे ये क्लोज करा है। सो यस वी कैन गो फॉर अ शॉट इन इंडिको। लेट मी टेल यू राइट नाउ द प्राइस इज 1621.90, यू कैन गो फॉर अ शॉट एट बिलो 1618 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। आई थिंक 1605 तक के भी लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, दैट इज दिस लेवल। ठीक है, 1607 1608 तक के लेवल्स आप लोगों को आराम से देखने को मिल सकते हैं। सो इस स्टॉक को फॉलो जरूर करिएगा। और नेक्स्ट स्टॉक इज ब्लू स्टार, जो ब्लू स्टार मैंने आप लोगों को कल भी दिया था बट आज इतनी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को नहीं मिली, ज्यादा ऊपर नहीं गया, सो मैंने थोड़ा कि आप लोगों को दोबारा बता दिया जाए। ठीक है, ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी ओपन 4 आवर टाइम फ्रेम। या सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पे कि ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, ब्रेकआउट देने के बाद व्हाट वी सीन कि सेकेंड कैंडल उसके ऊपर क्लोज भी करी है, सेकेंड कैंडल क्लोज करने के बाद एक बार रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद आज की कैंडल पे रीटेस्ट से एक बाउंस आया। सो यस राइट नाउ एक अच्छे लेवल पे ये स्टेबल है, राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 803। आप 805 के ऊपर एक अच्छी बाइंग बना सकते हो, प्रोबेबली 820 अबव भी ये जा सकता है। सो कल इस स्टॉक को डेफिनेटली वॉच करेगा, अगर 805 के ऊपर सस्टेन करता है बहुत अच्छे लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट स्टॉक इज अजंता फार्मा। ये पर्टिकुलर स्टॉक सेल साइड में है, लेट मी शो यू। देखिए
सबसे पहले आप वॉल्यूम्स पे फोकस करिएगा। आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं, इस वाली कैंडल पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें देखने को मिला। एंड कभी भी अगर हाई साइड में एक इंडिसाइसिव कैंडल बनती है और उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आने वाली कुछ कैंडल के अंदर एक शॉर्ट पोजिशन बन सकती है, मतलब यहां से पर्टिकुलर स्टॉक फॉल कर सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम लोग सेल करके चल सकते हैं। एंड राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 1850। This particular stock is trading at 1815. You can go for a short below 1809, and I think ये 1790 तक के levels भी आ सकते हैं, ठीक है? But levels को अच्छे से मानिएगा, से 1809 के नीचे ही आपको short करना होगा, okay? Our next stock is LIC Housing Finance. LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद अगली एक कैंडल, दो कैंडल का ब्रेकआउट आया, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करा, एग्जैक्ट एक कैंडल ने रीटेस्ट करा, रिट्रेस करा। रिट्रेस करने के बाद व्हाट वी सीन, हमें दोबारा एक मोमेंटम देखा अपने प्रीवियस हाई पे, एग्जैक्ट ये खड़ा हुआ है। सो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 449। आप 451 के ऊपर इस पर एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आई थिंक 456 से लेके 459 तक भी ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है। लास्ट स्टॉक इज NIIT लिमिटेड। NIIT लिमिटेड पे अगर हम लोग आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, उसके बाद दोबारा एक रिट्रेसमेंट हुआ, एग्जैक्ट अपने जो प्रीवियस हाई था एग्जैक्ट उस लेवल पर आया, एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद एक मूवमेंट दे रहा है। सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 194.45 और आप लोग इसे 195.5 के ऊपर एक बाय पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। प्रॉबेबली ये 204 तक भी आने वाले टाइम पर जा सकता है, ठीक है? तो ये थे हमारी स्टॉक्स की एनालिसिस। लेट्स गो टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। या सो निफ्टी पे मैं आप लोगों को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूं। सबसे पहले 15 मिनट्स पे चलते हैं। 15 मिनट्स पे आप एक चीज को यहां पर नोटिस करिएगा, दैट इज कि यहां पर जो सप्लाई जोन था, दैट इज दिस, ये एक सप्लाई जोन था, ठीक है? इस सप्लाई जोन को ये ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करने के बाद एक अपसाइड में मोमेंटम आई, अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है? सो इसके नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो यस वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट पोजीशन। और ये लेवल कौन सा है मैं आपको बता देता हूं, दैट लेवल इज अराउंड 14,720 का। 14,720 के नीचे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, बट अभी राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट 14,780। सो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स नीचे जाने का वेट करना पड़ेगा, तो रिस्क भी उतना बढ़ जाएगा। सो मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बताऊंगा आप कहां पर शॉर्ट कर सकते हो, और अपनी प्रॉफिट बुकिंग ही आप 14,720 तक कर सकते हो, ठीक है? एंड सेकेंड चीज और, आप अगर आप यहां देखेंगे, देखिए हम लोगों ने एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा था, एंड सिंपल सी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट हाई कनेक्ट, सेकंड हाई कनेक्ट, एंड हम लोगों ने एक्सटेंड करा। जैसे ही हम लोगों ने यहां पर एक्सटेंड करा था, आप देख सकते थे कि इस लेवल ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, यहां पर हम लोगों को अराउंड 10:15 पे एक ब्रेकआउट मिला, आई एम गोइंग फॉर अ बाय, मैंने यहां पर बाय इनिशिएट करा, मेरा प्रॉफिट एग्जैक्ट यही था, और यहां पर मैंने शॉर्ट भी इनिशिएट करके प्रॉफिट अर्न करे। यस गाइस, सो मैं प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? एंड इसके नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर आप लोग रिस्की ट्रेडर्स हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, इंडेक्स ने, आप यहां देख सकते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करा, ठीक है? इस लेवल पे ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करा है। सी यहां पर अब आपको दिख गया होगा कि ये इसके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर मल्टीपल सपोर्ट लिया, ऊपर गया एंड इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा नीचे आ रहा है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, दैट इज 14,760 के नीचे जाता है, यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट विद अ टारगेट ऑफ 14,720, और यहां पर आप अपनी फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। एंड अगर यहां से नीचे भी जाता है तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग और कर सकते हैं, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेलिस पे करते रहिएगा, ठीक है? सेम गोज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखिए
सो बैंक निफ्टी का जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन है वो एग्जैक्ट उसी पे सपोर्ट ले रहा है, एंड जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर हम हायर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन को मान के चलते हैं जो कि सपोर्ट का काम कर रही है उसे ये ब्रेक कर चुका है। सो यस, अगर ये राइट नाउ दिस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एट 34,696, सो अगर ये 34,650 के नीचे जाता है यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट एंड आई थिंक द टारगेट शुड बी अराउंड 34,530 to 34,470, ठीक है। सो ये टारगेट्स हो सकते हैं, इन टारगेट्स को आप कर सकते हैं गाइस। प्लस वन मोर चीज, ये पांच स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ यूट्यूब पे, प्लस एक्स्ट्रा टू स्टॉक्स जो बहुत अच्छे होते हैं वो भी मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल पे बताता हूँ ना, डेली बेसिस अराउंड 10 PM तक मैं अपलोड कर देता हूँ। सो आप वहां पर जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड वहां पर आप लोगों को लाइव अपडेट्स भी मिलेंगे, वहां पर मैं अपने प्रॉफिट्स भी शेयर करता हूँ, लाइव मार्केट पे थोड़े बहुत आप लोगों को बता भी देता हूँ कि कौन से स्टॉक्स को बाय करना है। सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक है, गूगल फॉर्म भी है जहां पर आप फिल करके अपनी डिटेल्स हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आवर कोर्स, एंड व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे भी आप अपनी सारी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं, होप आप लोगों को कल भी प्रॉफिट हो, एंड हम लोग मिलते हैं अपने कल के ट्रेडिंग सेशन पे। सो गाइज गुड नाइट, हम मिलते हैं कल की अगली वीडियो पे।